नमस्कार, द प्रिंट के साप्ताहिक कार्यक्रम सॉफ्ट कवर में मैं शिव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते किसी खास किताब पर आपसे बात करते हैं और उसके राइटर से भी आपको मिलवाते हैं। आज जिस किताब पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो अति विशिष्ट है, बहुत ही खास है, और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत से ऐसे तथ्यों का पता लगेगा जो शायद अदरवाइज आपको लगेगा कि आप नहीं जानते थे। आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है नैरेटिव का मायाजाल, कौन है हम, क्या है हमारी पहचान, और इसे लिखा है बलबीर पुंची ने। यह है किताब, आप देख सकते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका। पहले तो हम आपको परिचय दे दें बलबीर पुंजी का। आप दो बार दो टर्म राज्यसभा सांसद रहे हैं और राष्ट्रीय युवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, पत्रकार रहे हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के अध्यक्ष रहे हैं। तो सर, ये किताब जो है मैंने आपकी पढ़ी, इसमें तमाम चीजें ऐसी मेरे सामने आई जो अदरवाइज जो है जो अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें तो इससे पहले भी मैं तमाम किताबें पढ़ चुका हूं, लेकिन वो फैक्ट्स शायद मेरे सामने नहीं आए थे। और जिस तरीके से आपने तथ्यात्मक रूप से सारी चीजों को एक एक फैक्ट्स को रखा है वो अपने आप में बहुत आई ओपनर है, बिल्कुल आंखें खोल देने वाला है कि अच्छा, कई एक जगह तो मुझे लगा कि अच्छा ये भी एक फैक्ट है जो ठीक है मैं पढ़ता रहता हूँ, फिर भी वो फैक्ट्स शायद सामने नहीं आ पाए थे। तो सर, अपने कॉन्वर्सेशन की शुरुआत यहीं से करते हैं। आजकल जो मुद्दा ज्वलंत है हिंदुत्व का, और जैसा कि आपने अपनी किताब में लिखा भी है कि नैरेटिव एक क्रिएट किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है मौजूदा माहौल में, या कि मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है? आपको क्या लगता है, क्या सच है और क्या नैरेटिव किया जा रहा है? नहीं देखिए, नैरेटिव ना हिंदुओं के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है ना मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। वास्तव में नैरेटिव भारत के अस्तित्व के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और उसका शिकार दोनों हिंदू और मुसलमान है। और हम लोग जिस भारत की बात करते हैं उस भारत का लगभग एक चौथाई हिस्सा वो पहले से हमसे अलग हो चुका है, और जिन सनातन भारतीय मूल्यों की बात करते हैं, जिन ट्रेडिशंस की बात करते हैं, जिन वैल्यूज की बात करते हैं, वो जो चौथाई हिस्सा हमसे अलग हो गया वहां तो समाप्त हो ही चुके हैं। और जो खंडित भारत है, रेजिडुअल इंडिया बचा है विच इज अबाउट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज, उसमें भी उन मूल्यों को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश में भी उसके समर्थक हैं एक षड्यंत्र चलता रहा है और चल रहा है। और वो षड्यंत्र जो है वो नैरेटिव के माध्यम से होता है। नैरेटिव उसका एक बहुत बड़ा हथियार है, दे वेपनाइज्ड नैरेटिव टू ऑब्टेन देयर ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो नैरेटिव का उपयोग करते हैं। और इसलिए अपने ही देश में जो लोग पैदा हुए, जो हर तरह से रक्त से संस्कारों से भारतीय हैं, उनको ही भारत के खिलाफ खड़ा करने में सफलता उन्होंने प्राप्त की है, और उसका माध्यम है नैरेटिव। तो अभी हाल ही में सर, आप जानते हैं दक्षिण के बड़े नेता हैं उदय निधि स्टालिन, उन्होंने सनातन को इरेडिकेट करने की बात की, उन्मूलन की बात की, ये भी कहीं ना कहीं उसी तरह की सोच से प्रेरित लगता है आपको? उसी तरह की नहीं, उसी सोच का परिणाम है। अंग्रेज जब भारत में आए, और मेरे पास एक पुस्तक मैं देखता हूँ, हाँ ये है, इस पुस्तक का नाम है द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट मिशनरीज टुवर्ड नेशनलिज्म इन इंडिया, और इसकी लेखिका है एलिजाबेथ सूसन अलेक्जेंडर। ये दक्षिण भारतीय हैं, दक्षिण भारत में किसी, मेरा जो पिछली जानकारी थी एक चर्च के द्वारा चलाए गए विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। इसमें उस सारे इतिहास को समेटा गया है, और ये जो स्टडी है ये
उस प्रोफेसर द्वारा लिखी गई है जो महिला खुद क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर है, और उन्होंने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड, चर्च के रिकॉर्ड और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस, उस पर आधारित है। हुआ क्या कि जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेज आए तो चर्च द्वारा दबाव बनाया गया, प्रोटेस्टेंट चर्च द्वारा क्राउन के ऊपर, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो भारत में क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार में हमारी पूरी सहायता की। तो 1813 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर रिन्यू हुआ तो उसमें ये क्लॉज जोड़ा गया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो चर्च की, प्रोटेस्टेंट चर्च की क्रिश्चियनिटी को फैलाने में पूरी की पूरी उसके प्रचार प्रसार में सहायता कर। काम शुरू हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लगा कि जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं वो उनके बहुत बड़े समर्थक भी हो जाते हैं, और पर कन्वर्शन कैसे करें, लोगों को हिंदू से ईसाई कैसे करें, कैसे बने, और उसके लिए उन्होंने अपनी समझदारी से सुना कि भाई अगर हम अपर कास्ट को और खासकर ब्राह्मणों को निशाना बनाएं और उनके ऊपर धन खर्च करें, उनको शिक्षित करें अपने तरीके से, अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्होंने अगर मत परिवर्तन कर लिया तो शेष समाज अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो हिंदू समाज की रीढ़ की हड्डी, पूरी की पूरी कॉरेस्पॉन्डेंट थी। 20 साल तक उन्होंने ये किया और 20 साल बाद इस निर्णय पे पहुंचे कि इन पे कितना भी पैसा खर्च कर लो, इनके ऊपर किसी तरह भी प्रलोभन दो, इनमें से कन्वर्शन संभव नहीं है। फिर उन्होंने दोबारा अध्ययन किया और कहा कि हिंदू समाज में जो फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करो, और उसके लिए जो तथाकथित जिन्हें आज दलित कहा जाता है, पहले नीच जाति कहा जाता था, जो भी शब्द का प्रयोग करें, मैं तो मानता हूं सब बराबर हैं, ईश्वर ने सबको बराबर उत्पन्न किया है, पर उन्होंने उनको फोकस किया और उनमें से लोग खड़े किए जिनको ये समझाया गया कि ये जो हिंदू समाज है ये आपका दुश्मन है और हम आपके मित्र हैं, और उसमें से ये द्रविड़ियन मूवमेंट पैदा हुआ, और जिसको पहले डीके कहा जाता था, और डीके मूवमेंट में से फिर डीएमके पैदा हुआ, और जिसके ये जो स्टालिन साहब हैं जिसकी औलाद हैं, और इसी में एक रामास्वामी नायकर करके पैदा हुए थे जो हर भारतीय चीज से घृणा करते थे, और वो इस आंदोलन के नेता थे 1971 में, और उससे पहले भी उन्होंने कई बार इस तरह के जलूस निकाले जिसमें राम जी, कृष्ण जी, जिन सबको हम अपना आराध्य मानते हैं, उनको जूतों से पीटा गया। तो जिसका जिक्र रजनीकांत ने किया था, जिन रजनीकांत ने भी किया, कई लोगों ने किया, हाँ, कई लोग। और उनका कहना था, ये जो डीके मूवमेंट थी, कि जो कांग्रेस है ये ब्राह्मणवादी पार्टी है, ये सनातनी पार्टी है, ये हमको गुलाम बनाना चाहते हैं, और हमको अगर सम्मान के साथ जीना है तो हमारे लिए अंग्रेजों का राज ही ठीक है। तो जो भी आवाज अंग्रेजों के राज के खिलाफ उठती है वो हम दलितों के खिलाफ उठती है, दलितों शब्द अब का है, तब प्रचलन में नहीं था, तो हम लोगों के खिलाफ। तो जब स्वतंत्रता दिवस हुआ 15 अगस्त 1947 को, देश स्वाधीन हुआ, तो इन लोगों ने इसको काला दिवस, ये स्टालिन की विचारधारा जिससे वो पैदा हुए, ये उसका इतिहास है। लेकिन ये और वो ये चीज तो आप मानेंगे ना सर, कि कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था उस समय समाज में इस तरह से प्रिवेलेंट थी हिंदू समाज में, जिसका वो फायदा कहीं ना कहीं ले रहे थे। ऐसा है दुनिया में कोई ऐसा समाज नहीं है, हाँ, जिसमें, और कोई मानव शरीर नहीं है जिसमें कभी ना कभी कोई समस्या ना होती हो, परंतु उसका उपचार होता है। आप क्रिश्चियनिटी को देखिए, जॉन ऑफ आर्क को जिंदा जला दिया, और कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को
विचेस डिक्लेयर करके चर्च ने जलाया, चर्च के आदेश पर जलाया, उसकी संख्या लाखों में है। और ज्यूस को किस तरह से परसिक्यूट किया, किस तरह से किसी पोप ने क्या क्या कहा, अगर मैं सबको गिनाना शुरू करूं तो एक अपने आप में ग्रंथ तैयार हो जाएगा। एक पोप थे मुझे ना गगरी करके, और मुझे 15वीं या 16वीं शताब्दी की बात है, उन्होंने कहा बिल्लियां जो है वो शैतान का प्रतीक होती है, और इसलिए अगर दुनिया को विश्व को शैतान से आप मुगल कर सकते हैं, आप शैतान से मुक्त करना चाहते हैं तो बिल्लियों को मारिए। पूरे यूरोप में बिल्लियों की हत्याएं शुरू हो गई, यूरोप था बिल्लियां मुक्त हो गया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि चूहे इतने बढ़ गए कि उसके बाद जो यूरोप की ग्रेट प्लेग है जिसने आधे से ज्यादा यूरोप को नष्ट कर दिया, वो उस पोप की आदेश की वजह से। मैं ऐसे बीसों उदाहरण दे सकता हूँ। तो हर समाज में बुराइयां आती हैं। इस्लाम की बुराइयां गिनानी शुरू करूं जो आई और अभी भी हैं, जो अभी भी हैं, तो कोई भी भाई ये चार विवाह की जो परंपरा है, जो हलाला है, जो पर्दा है, इन सबको क्या कहेंगे आप? और जो अल्लाह को ना माने, मोहम्मद साहब को ना माने, उसको काफिर घोषित करके और उसकी हत्या की फतवे निकालने की जो परंपरा पुरानी चली आ रही है और मोहम्मद साहब के समय से चली आ रही है, उसके बारे में आप क्या कहें? मैं देखिए इन सब चीजों को कहने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इससे समाज में तनाव बढ़ता है। और स्टालिन ने जो कहा, अगर उसकी सनातन धर्म जो है वो तो कोरोना की तरह है, टाइफाइड और मलेरिया की तरह है, इसके बारे में बात नहीं करनी, इसको समाप्त करना है, अगर कोई ये इस तरह की भाषा का प्रयोग क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में कहें, तो अभी तक अखबारों के पन्ने रंग गए होते हैं। और नूपुर शर्मा ने क्या कहा था, दो सेंटेंस, केवल दो वाक्य, और दो वाक्य भी क्या थे, दो वाक्य थे जिसको इस्लाम के जो स्कॉलर हैं बार बार कहते, उसने वही केवल दोहराया। और नूपुर शर्मा तो किसी तरह से जी रही है बेचारी, छिपकर सुरक्षा में, उसके समर्थन में जिन्होंने आवाज उठाई उनका भी गला काट। तो ये हमारे संस्कृति की सहनशीलता है कि स्टालिन ना केवल कह रहे हैं, दंडदार्थ घूम भी रहे हैं, और कुछ लोगों ने जरूर उनकी निंदा की है, पर हमारे यहाँ यही परंपरा है कि हम अगर किसी से सहमति नहीं रखते तो उसका गला काटने की बात नहीं करते, उसके साथ अपनी असहमति जतला देते। अच्छा सर, एक और डिस्कोर्स आजकल चल रहा है जैसे देश का नाम इंडिया हटाने का, इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो है इस देश की ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत का भी एज अ कंट्री था ही नहीं, ठीक है, ये कोई ऐसा, ठीक है, ये तो अंग्रेज आए और हमें एकजुट करके चले गए, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ, जितना जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है उस हिसाब से अपने मंत्रों में भी कहा जाता है हिंदू रीति रिवाजों में जम्बू द्वीप करके, तो ये पूरा एक एरिया के रूप में माना जाता है, लेकिन जो मॉडर्न डिस्कोर्स है उसमें ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं है, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैंने इस विषय को अपनी पुस्तक में बहुत विस्तार से लिया है, उन सब बातों में तो जाने का समय नहीं है, जिनकी रुचि वो पुस्तक देख सकते हैं। अगर इंडिया नाम की कोई चीज ही नहीं थी, भारत नाम की कोई चीज नहीं थी, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी किसके नाम पर बनी, कौन थी वो अरसा रो को भेजा गया इंडिया अकबर की कोर्ट में? अगर कोई भारत नाम की चीज ही नहीं तो सर रो कहां पर आएगी? और कोलंबस जो आए, उनको चार्टर दिया गया किंग द्वारा, भारत की खोज का, तो अलेक्जेंडर कहां के लिए कोलंबस आए थे? और अगर आप कानूनों की बात करें तो हमारे कई कानून तो कई सौ साल पुराने हैं। और देखिए, भारत की कल्पना, इंडिया की कल्पना तो बहुत पुरानी है, ये बात सही है कि देश अलग अलग समय में, कभी पूरा भारत कंधार से लेकर कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक एक भी रहा, और कई बार बीच में टुकड़े टुकड़े भी हो गया, ये बात सही है।
परंतु ये केवल भारत के मामले में सही नहीं है, दुनिया के हर देश के बारे में सही है। जिस जर्मनी को आप जानते हैं, वो जर्मनी का निर्माण 1871 में बिस्मार्क ने किया। उससे पहले जर्मनी 39 स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में पटा हुआ था, और इटली 1861 में इकट्ठा हुआ, वो कई छोटे अनगिनत छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटी ड्यूकडम और द्वीपों में बटा हुआ था। और फ्रांस पहली बार कुछ इकट्ठा हुआ ये 1789 में, और सही रूप से इकट्ठा हुआ 1870 में। अब ये सब चीजें 1870 में, 1871 में, 1861 में क्यों हुई? स्वाभाविक प्रश्न है। दो चीजों का आविष्कार हुआ 1825 में और 1830 में, एक स्टीम इंजन था और दूसरा टेलीग्राफ की व्यवस्था थी। और इन दो आविष्कारों ने एक राज्य के लिए, एक केंद्र के लिए ये संभव कर दिया कि वो जो बड़ा हुआ साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसके कोने कोने की खबर उसको बिल्कुल सही समय पे मिल पाए, और वहां पर जब भी जरूरत हो तो बहुत कम समय में वहां पर फैसले भी लिए जा सके और सहायता भी पहुंचाई जा सके। आप कल्पना करिए औरंगजेब के, सम्राट अशोक के, अकबर के समय, विक्रमादित्य के समय, मान लीजिए कंधार से लेकर कन्याकुमारी, मान लीजिए देश एक है, राजधानी पाटलिपुत्र है, दिल्ली है, तो वहां कोई घटना घट गई, उसका समाचार आने में 8 महीने, 7 महीने, साल लगता है, और जब तक यहां से कोई निर्णय लिया जाएगा वहां स्थिति और बदल गई होगी, और यहां से अगर कोई सहायता भेजनी भी है, जब तक पहुंचेगी वहां पर तब तक पता नहीं क्या का क्या हो गया होता। और इसलिए तब बड़े देशों को एक साथ रखना संभव नहीं होता था, वो बनते थे और टूटते थे, और इसलिए सांस्कृतिक रूप से भारत तब भी एक था और आज भी एक है, और इसलिए शंकराचार्य ने जो चार मठ बनाए उनका आप देख लीजिए, कुंभ मेले जैसे होते हैं उनको देख लीजिए यहाँ, और आप जो ज्योतिर्लिंग हैं उनको देख लीजिए, कितने तो सांस्कृतिक परिणाम। और आप एक बात बताइए मेरे को, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, पंजाब में कोई हिंदू कोई संस्कार करता है, यज्ञ करता है, पूजा करता है, तो उसके लिए आवश्यक सामग्री में नारियल रहता है, पान का पत्ता रहता है, और सुपारी रहती है, और भी चीजें रहती है। ये बातें तो, ये सब चीजें तो सामग्री तो उत्तर भारत में उपलब्ध नहीं है, ये सारी की सारी दक्षिण भारत से आती है। बिहार तो पान से आता है, पान जो है बिहार से आता है, और अगर देश एक था तो तभी इसीलिए पूजा पद्धति भी इस तरह की थी और सामग्री भी उसकी पूरा। हाँ, और इसलिए ये कहना कि 1947 में कोई नया देश पैदा हो गया, देश तो मित्र वो हजारों साल पहले से चला आ रहा था, उसमें एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया जिसको हम संविधान के माध्यम से कह सकते हैं, बाकी तो देश तो वही का वही पुराना है। अच्छा ठीक है सर, जो खिलाफत आंदोलन था, अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी बात करते हैं, जो खिलाफत आंदोलन था उसमें उसको सपोर्ट किया गांधी जी ने, तो इसका जिन्ना ने भी एक तरीके से विरोधी किया था, उन्होंने कहा कि आप जो है एक तरीके से मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक दूरदृष्टता थी, मतलब क्या सही निर्णय था या गांधी जी की दूरदर्शी? अगर गांधी जी की नीयत बिल्कुल ठीक थी, मुझे उनकी नीयत के बारे में बिल्कुल संदेह नहीं था। गांधी जी कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि सारे भारतीय अपने जो भी अंतर विरोध हैं उनको भूल कर, जैसे 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, उस तरह से दोबारा इकट्ठे हो गए, हिंदू समाज इकट्ठा हो गया। पर गांधी जी के साथ दिक्कत थी कि मुस्लिम समाज जो था
वो उनके साथ नहीं आ रहा था। वो जो सर सैयद अहमद खान, जिनके बनाए हुए काम पे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी बना, और कहावत है पाकिस्तान में कहा जाता है, मैं पाकिस्तान 3-4 बार हुआ आया हूँ सांसद होने के नाते, कि कंट्रीज क्रिएट यूनिवर्सिटीज, कंट्रीज क्रिएट यूनिवर्सिटीज, बट इन केस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड विच क्रिएटेड ए कंट्री। पाकिस्तान का जन्म जो हुआ वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसकी स्थापना में सर सैयद अहमद खान का बड़ा योगदान था। और सर सैयद अहमद खान के जिंदगी के आखिरी 10 साल, करीब 98 में शायद उनकी डेथ हुई थी, 1898 में, आखिरी 10 साल लोगों को, मुस्लिम समाज को 3 बातें समझाने में निकली। पहली तो ये कि हम और अंग्रेज, हम मतलब मुसलमान और अंग्रेज, पीपल ऑफ द बुक हैं, हम नेचुरल अलाइज हैं। नंबर 2, हिंदू हमारे गुलाम रहे हैं, अंग्रेज रूलिंग क्लास से हैं, हम भी रूलिंग क्लास, और इसलिए हम हिंदुओं के साथ बराबरी में नहीं बैठ सकते, हम 2 नेशंस हैं। 1888 का उनका मेरठ का भाषण है, जिसका जिक्र मैंने वर्बेटिम किताब में किया है और ऑन रिकॉर्ड है, और ऐसे बहुत सारे भाषण हैं उनके, किताब की भी एक सीमा होती है अब कितने भाषण बताएंगे। तो उन्होंने बार बार कहा कि वी आर 2 डिफरेंट नेशंस और हिंदू और मुसलमान कभी इकट्ठे बैठ नहीं सकते। और तीसरा उन्होंने अंग्रेजों से कहा, उन्होंने मुसलमानों से कहा कि हिंदुओं के चक्कर में बिल्कुल मत आओ, तुम अंग्रेजों के साथ लॉयल रहो। सर अहमद खान, सर सैयद अहमद खान की बात का मुस्लिम समाज पे भारी असर हुआ, और 95% से ज्यादा मुसलमान जो थे तब पे, वो सर सैयद अहमद खान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे। उनका आप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी देख लीजिए, इक्का दुक्का कोई मिलेंगे आपको, और गांधी जी के साथ कोई ज्यादा लोग आने के लिए तैयार। गांधी जी को ये लगा कि इस वक्त मुस्लिम समाज जो है बड़ा अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है, विक्टिमाइज फील करता है, और इनके पास नेतृत्व भी नहीं है, इसलिए ये जो खिलाफत आंदोलन के खिलाफ जो प्रतिवेदन मुस्लिम समाज की तरफ से गया, उसकी ड्राफ्टिंग जो थी वो गांधी जी ने की, और उस समय नेहरू जी से लेकर और मोहम्मद अली जिन्ना भी तब तक अंग्रेजों के चक्कर में नहीं आए थे, बाद में तो आ गए, और पाकिस्तान की मांग उन्होंने उन्हीं के कहने पे की, पर उन्होंने भी कहा कि इसका दुष्परिणाम होगा, और उसका दुष्परिणाम हुआ। ये जो मोपला राइट्स, और उसके बाद 2 और चीजें, हाँ, मुसलमानों में ये जो अपने जिस प्रदेश के थे वहां की भाषा के प्रति प्रेम था, वहां का जो ड्रेस थी, वेशभूषा थी, उसके प्रति उनका लगाव था, वो सब नीचे चला गया, और उनकी अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी जो थी वो उनके लिए मुखर हो गई, और बाकी पहचान जो थी वो गौण हो गई। और दूसरा, उनको ये एहसास और ज्यादा हुआ कि वी आर ए पैन इस्लामिक कम्युनिटी, हमारी पहचान जो है वो केवल देश की सीमाओं के भीतर नहीं है, हमारी पहचान तो विश्वव्यापी पहचान है, वी हैव ए वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस। तो उससे उनकी भारत के प्रति जो लॉयल्टी थी, यहाँ की धरती के प्रति, वो कमजोर हुई, और अंतोगत्वा वो पाकिस्तान की मांग के लिए जो मुस्लिम समाज इस देश का इकट्ठा हुआ, उसको बांधने में आपस में भी वो उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो गांधी जी की नीयत खराब नहीं थी, परंतु नीति जो थी, जो रास्ता उन्होंने अपनाया, उससे ना केवल दुष्परिणाम निकला बल्कि जो चाहते थे उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। इसी 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 वजह से वो जो मोपला के जो राइट्स हुए थे,
उसमें उसमें कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथी शामिल था। नहीं मुस्लिम ये जो मोपला राइट हुए उनका जैसे कुछ गुस्सा लोगों का कहना है कि मतलब वो किसान विद्रोह था और नहीं जमींदारों को, वो तो मार्क्सवादियों का एक बड़ा जो भी इस एक्चुअली तरह वही की घटना हुआ क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ आपसे। इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। किसान विद्रोह नहीं था मूलतः, वो उनका गुस्सा जो था मुसलमानों का वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ था, परंतु अंग्रेज सरकार पे हाथ डालना तो कठिन था, तो बेसिकली तो वो काफिर के खिलाफ थे, तो एक काफिर जिसको वो छू नहीं सकते थे और दूसरे काफिर के गर्दन पकड़ सकते थे जो हिंदू था कमजोर था, तो उन्होंने जो एक इजी विक्टिम था वो उसको पकड़ा, और उसमें लोग कहते हैं कि 20,000 लोग मारे गए, 15,000, 25,000, और संख्या के बारे में कोई एक मत नहीं है, पर हजारों के लोग मारे गए, हजारों हिंदुओं को बल प्रयोग करके उनको मत परिवर्तन करने के लिए, अगर किसान विद्रोह था तो लोगों को मत परिवर्तन क्यों करवाया जा रहा था, अगर किसान विद्रोह था तो लोगों को मत, और ये किसान विद्रोह में कहाँ से आया कि महिलाओं को आप उनका रेप करें, बलात्कार करें, उनको सार्वजनिक रूप से नंगा करें, अपमानित करें, ये सब किसान विद्रोह के कब से हिस्से हो गए। ये तो मूलतया जिस तरह से जो इस्लामी आक्रांता भारत में और बाकी जगह गए और जो पराजितों के साथ व्यवहार करते थे, ये उसकी पुनरावृत्ति थी। इसमें किसान और विद्रोह वाली ना कोई बात नहीं थी, ये कुफर के खिलाफ जिहाद थी। इसी के बाद शायद गांधी जी ने लिखा था जिसमें हिंदुओं को कायर कहा था और मुसलमानों को गुंडा कहा था। अच्छा नहीं उसके बाद गुजरात में दंगे हुए थे, गुजरात में दंगे हुए अच्छा थे, हाँ अच्छा हाँ सूरत में हुए, गोधरा में हुए, अहमदाबाद में हुए। हाँ, ये जिस बात जिसकी आप बात कर रहे हैं ये 1924 इंडिया का का लेख था ना स्टेटमेंट, शायद कोई 1924 की 24 में। स्टेटमेंट है, हाँ 1924 1924 में उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ कि हिंदू महिलाओं को अपमानित किया गया, उनके पति भाई और पिता के सामने किया गया, घर जला दिए गए, लूट लिए गए, और हिंदुओं की तरफ से कोई प्रतिकार ज्यादा हुआ नहीं। तो उसमें दुखी होकर गांधी जी ने कहा था कि एक एवरेज जो मुसलमान है वो बुली है और एवरेज हिंदू कावड़ है, और उस समय के हिसाब से संदर्भ के हिसाब से शायद वो ठीक थे। ठीक है सर। लव जिहाद एग्जिस्ट करता है क्या? ज्वलंत मुद्दा इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। नहीं स्वागत है। देखिए जिहाद तो कई तरह से है, और लव जिहाद में जो एक शब्द लव है ये अपने आप में धोखे वाली बात है, उसमें लव कोई नहीं होती, उसमें सिर्फ जिहाद ही होता है। और अच्छा इसमें हमारे मित्र जो है वो कहते हैं कि लड़का लड़की अगर आपस में सहमत है तो मजे बीच में कहां से आता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई भी वयस्क हो, अडल्ट हो, लड़का लड़की, किसी मजहब से हो, जाति से हो, उनमें प्रेम हो जाए, वो तो शादी करके घर बसाना चाहें तो स्वागत करना चाहिए, पर अगर ये करते हुए लड़का झूठ बोले, अपनी पहचान छिपाए और हिंदू होकर अपने आप को अपना परिचय दे और लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना ले, और जब अब शादी की बात हो लड़की पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आए तो तब कहे कि मैं तो मुसलमान हूं और अगर मेरे से शादी करनी है तो तुम्हें इस्लाम अपनाना पड़ेगा, या शादी के बाद ये भेद खोले और शादी के बाद उसको मजबूर करे, तो ये प्रेम नहीं धोखाधड़ी है। और ये जो लोग और ये जो लव जिहाद, इसकी चर्चा केवल संघ परिवार ने नहीं की है, केरला की हाई कोर्ट ने की है, अच्युतानंदन करके मुख्यमंत्री थे सीपीएम के, उन्होंने मुझे याद है 2011 या 12 में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये फिनोमेना है, और जो केरला की बिशप कॉन्फ्रेंस है, क्रिश्चियन बॉडीज हैं, उन्होंने आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पास किए हैं
कि किस तरह से मुसलमान लड़के अपनी पहचान छुपाकर और क्रिश्चियन लड़कियों को बहकाते हैं और बाद में उनका मजहब बदलने के लिए उनको मजबूर करते हैं। इस तरह की समस्या इंग्लैंड में सिख लड़कियों के साथ आई और वहां पर भी ये संसद में उठाया गया है, और ये एक सामाजिक बुराई है, इसको मजहब के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। और लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसके लिए समाज को जागरूक करना। अच्छा सर, आपका एक पाकिस्तान दौरा था जब आप गए थे, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि वहाँ पर आपने कुछ अपनी पुस्तक में इस चीज़ का जिक्र किया है कि वहाँ आपने मंदिरों की जो हालत देखी और आप ननकाना साहब गए थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? देखिए, ये मेरे पास एक पुस्तक है, अभी मैं देखता हूँ, एक सेकंड मेरे को दीजिए, अगर है तो मैं ढूंढूं अगर ये। हाँ, मेरे को एकदम से नजर नहीं आ रही। हाँ, अच्छा ठीक है। ये पुस्तक मैंने पाकिस्तान से खरीदी थी, ये 1922 की लिखी हुई है, लाहौर के ऊपर, और लिखने वाले गुरदासपुर के कोई मशहूर वकील हैं। उन्होंने 1922 में लाहौर पे ये पूरी की पूरी इतनी मोटी करीब 500 पेज की किताब, उन्होंने बहुत डिटेल किताब लिखी लाहौर के ऊपर, और उन्होंने बताया उस पुस्तक में चित्र भी हैं कि लगभग 50 के लगभग यहाँ पर ऐतिहासिक मंदिर है, और भी बहुत सारी जानकारी। मैं मंदिरों तक, आपका प्रश्न है तो मैं इसी की चर्चा करता हूँ। मैं लाहौर गया और परवेज इलाही करके तब पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पाकिस्तानी पंजाब, और पाकिस्तानी पंजाब का अर्थ होता है 60% पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा सूबा है वहां पर, और दैट 60% ऑफ माई पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। और मैं उनके घर पे ठहरा था और उनके साथ उनके कजन ब्रदर का घर था, जो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने थोड़े समय के लिए, चौधरी शुजात सिंह। तो एक हफ्ता था, और पंजाबी हॉस्पिटैलिटी तो मशहूर है, चाहे वो भारत में हो और चाहे वो पाकिस्तान में हो। तो उन्होंने मेरे से पूछा पंजाबी में, तुम सब अच्छी तुहाडे वास्ते की कर सकते हैं, कोई सानू खिदमत का मौका दो, कौन सा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हमें कोई सेवा का अवसर दीजिए। तो मैंने कहा मेरी बड़ी इच्छा है, मैंने पढ़ा है कि लाहौर में 50 के करीब मंदिर हैं, तो जो कोई अच्छा मंदिर हो वहां पर मैं दर्शन करना चाहूंगा। तो चौधरी शुजात ने, उनका एक मैन फ्राइडे था रियाज कर, तो उन्होंने अपना एक उनका स्टाइल था बोलने का, अभी भी हैं पर अब अस्वस्थ है, सुनता हूँ चौधरी शुजात से, वो रियाज वो पुंज साहब नो मंदिर दे दर्शन करा रहे भाई। तो रियाज, उनका मैन फ्राइडे रियाज ने, जी जनाब। वहां दूसरे दिन पूछते, मैं अपने इस प्रार्थना को आग्रह को दोहराता और वो रियाज को कहते, और रियाज कहते जी मैं करता हूं। मैं 8 दिन के लिए था, ये 7वां दिन था, तो मैंने उनसे फिर कहा कि वे आप तो आखिरी दिन है, तो उन्होंने बुला के रियाज को डांटा। तो रियाज ने जो कहा, हाथ जोड़ के कहा और मेरी तरफ बहुत शर्मिंदा होकर देखते हुए कहा कि जनाब लाहौर में हिंदू मंदिर तो कोई है ही नहीं है, एक जैनी मंदिर था, वो भी 4 साल पहले बलवा हो गया, वहां पर तोड़ दिया और तब से वहां ताला लगा हुआ है, तो मैं पुंज साहब को कहां लेके जाऊं। वहां पर एक कुकू नेस्ट करके रेस्टोरेंट है, जैसे दिल्ली में लाल किला है उसी तरह से लाहौर में भी इसी तरह का एक लाल किला है और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। उसकी बैक लेन में एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है, पुराना घर है, 4 मंजिला करीब करीब, 4 या 5 मंजिल है, और उसमें आप गूगल करेंगे तो कुकू नेस्ट करके रेस्टोरेंट मिलेगा। मेरे को भोजन पर वहां बुलाया गया, अंदर घुसते ही 12 फुट बाई 12 फुट बाई 12 फुट का एक पिंजरा था, उस पिंजरे में हनुमान जी की मूर्ति थी और उस पिंजरे में एक पेड़ भी था और उस पिंजरे में
कई सौ कबूतर, चिड़िया, अलग अलग किस्म के पक्षी थे, और उन सब की बीट जो थी वो पूरे हनुमान जी के पुतले के ऊपर वर्षों से महीनों से जमी हुई थी। और जो सीढ़ियां थी उन सीढ़ियों पे जगह जगह दोनों तरफ सजावट के लिए जैनी मूर्तियां और हिंदू देवी देवताओं की अंग भंग की हुई मूर्तियां पड़ी हुई थी, और डाइनिंग टेबल के ऊपर छोटे छोटे हनुमान जी, राम जी, इनके पत्थर की बनी हुई मूर्तियां, किसी को एस्ट्रे की तरह यूज किया जा रहा है, किसी को पेपर वेट की तरह यूज किया जा रहा है, और जो सबसे ऊपर की मंजिल थी, सबसे ऊपर की, वो टेरिस थी, और उसमें चारों तरफ मशाले लगी हुई थी, चार चार पांच पांच फुट की लंबी सीख थी, और उसके ऊपर मेटल की बनी हुई, कहीं हनुमान जी की, कहीं शिव की, कहीं राम जी की, कभी कृष्ण जी की, और तरह तरह की मूर्तियां, और उन मूर्तियों के सिर के ऊपर एक वो बर्तन बनाकर उसमें मशाल जल रही थी। मैं वहां पे भोजन नहीं कर सका, नीचे नहीं गया। मैंने अपने होस्ट, तो मुसलमान ही थे, उनको कहा मेरे क्षमा करिए, मैं ना खा सकता हूं ना यहाँ खड़ा हूं। जी क्या आ गया, पूछा आपकी तबीयत ठीक है, हॉस्पिटल लेके चले। मैंने कहा हॉस्पिटल तो नहीं, मुझे होटल जाना है वापस। बाद में जब उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको, उनको लगा ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। और मैंने दैनिक जागरण में इस पे लेख भी लिखा, और चौधरी सुजात हुसैन को पत्र भी लिखा, जिसका जवाब आज तक नहीं आया। तो पाकिस्तान के तो ऐसे ही अनुभव हैं, अच्छा सर, मन दुखी हो गया बोलते वो ये सब कहते कहते, याद करते हाँ बोलते। वो देखते रहे। एक और बात कही जाती है कि भारत में अभी मतलब एक कट्टरपंथ सर उठा रहा है, मतलब लोगों का इशारा होता है कि हिंदुओं में कट्टरपंथ आ रहा है, और उनका कहना है कि हम उसी कट्टरपंथ के रास्ते पे चल रहे हैं जिसपे पाकिस्तान चला था, तो हमारा भी वही हश्र होगा जो पाकिस्तान का हुआ। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते? आप ऐसा करिए, 1937 का एक पीरपुर रेजोल्यूशन है, पीरपुर, पीरपुर रेजोल्यूशन। हाँ देखिएगा, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है। तब तक कांग्रेस की कुछ सरकारें प्रदेशों में बनी थी, और मुस्लिम लीग ने उन सरकारों के कार्यकाल को देखते हुए किस तरह से काम किया, एक पीरपुर कमेटी बनाई थी, जिसने 1937 में अपनी रिपोर्ट दी थी। लफ्ज बाय लफ्ज, वर्ड बाय वर्ड, जो गालियां कट्टरपंथ की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, इनको दी जाती हैं, अक्षराक्ष वर्ड बाय वर्ड वही गालियां पीरपुर कमेटी में मुस्लिम लीग ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व, जिसमें पटेल भी थे, गांधी जी भी थे, नेहरू जी भी थे, इन सब के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था। तो कट्टरपंथ कोई 2023 या 2014 से ये आरोप नहीं लगा, हिंदू समाज के ऊपर ये आरोप 1930 में भी लगा, 40 में भी लगा, और 1947 1946 में ही इंटीरियम सरकार बन गई थी, और पहली सरकार भारत सरकार को गांधी जी तो उसके सर्वे सर्वा थे, और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, अंग्रेज का राज था 1947 तक। तो मुसलमानों ने तो तब भी बड़ा इनसिक्योर महसूस किया था, अगर नहीं किया होता तो विभाजन नहीं होता, और गालियां वही थी, तर्क वही थे, और जिन्हें तथाकथित तथ्य कहते हैं, ट्विस्टेड फैक्ट्स भी वही थे जिनका प्रयोग आज होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अभी मैं हाल ही में एक बड़े पत्रकार का लेख भी पढ़ रहा था, मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, उनका ये मत था
उनको ओपिनियन में पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि जिस कट्टरपंथ को ये जो उभर रहा है इसको आप चाह के शांत नहीं कर पाएंगे, फिर आप ये अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ेगा और ये भारत को उस तरफ। नहीं 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 ये यही आरोप अच्छा 1937, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 में कांग्रेस के ऊपर लगाया गया, इन्हीं शब्दों में लगाया गया कि कांग्रेस हिंदी की बात करती है तो देश टूट जाएगा, कांग्रेस सभी लोगों से एक तरह बात करती है तो देश टूट जाएगा, तो देश टूटा। तो अगर गांधी जी सुरक्षा की भावना मुसलमानों को तब नहीं दे सके तो आज की डेट में कुछ दे सकता है उनको? मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को नहीं समझ में आता। गांधी विद ऑल इज पर्सुएसिव पावर विद ऑल इज टॉक ऑफ नॉन वायलेंस कुडंट एश्योर द मुस्लिम माइनॉरिटी ऑफ दैट टाइम दैट दे वुड बी सेफ इन इंडिया। तो व्हाट गांधी फेल टू डू, व्हाट नेहरू फेल टू डू, व्हाट पटेल फेल टू डू, आचार्य कृपलानी फेल टू डू एट दैट टाइम, मौलाना आजाद फेल टू डू, कैन एनीबॉडी डू? ये तो कॉन्स्टेंट चलने ही वाला है। असल में दिक्कत क्या है आप पांडे जी समझिए, आप कश्मीर को जानते हैं, 1990 का दशक था, कश्मीरी हिंदू देवर जस्ट 5% और लेस देन 5% ऑफ दी वैलीज पॉपुलेशन। उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो उनके साथ किया गया? संविधान था, सुप्रीम कोर्ट था, ये मीडिया भी था जो लिख रहे हैं आज, ये भी सब थे, पुलिस थी, फौज थी, सब था, परंतु पूरा एक समुदाय 5 लाख के करीब लोग 2 साल के अंदर धक्के मार मार के निकाल दिए गए, सैकड़ों लोग मार दिए गए, रेप हुए, उस सबको मैं दोहराना नहीं चाहता। उन लोगों के लिए जिन्होंने ये किया उनके लिए क्या प्रोवोकेशन? प्रोवोकेशन केवल एक ही थी, ये काफिर है, ये हमारी तरह के नहीं है, ये अल्लाह को नहीं मानते, ये मोहम्मद साहब वो आखिरी पैगंबर नहीं मानते, क्योंकि ये नहीं मानते इसलिए इनको जीने का हक नहीं, इनको यहां रहने का हक नहीं। और जो बाकी देश में लोग रहते हैं उनके साथ भी, क्योंकि तकलीफ तो इसी बात की है कि मैं अलग हूं, मैं उस मजहब को नहीं मानता हूं जिसको ये मानते, यही मेरी गलती है, मेरी पहचान ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है इनकी नजर में, और वही मेरा कसूर है और जिसके लिए कोई बिस्तरा काफी है, बाकी सब कहने के तरीके हैं। ठीक है सर, तो ये रही आपसे चर्चा, बड़ा अच्छा लगा आपसे इस पर बात करके, और हम अपने दर्शकों से भी इस बात की अपील करते हैं कि इस किताब को आप जरूर पढ़िए एक बार। ये मैं किताब एक बार आपको फिर मैं दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी किताब है और तमाम ऐतिहासिक तथ्य और बहुत सी इंसाइट्स आपको मिलेंगी इसको पढ़ करके, बहुत सी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो अदरवाइज शायद नहीं पता है। तो इसी के साथ इस हफ्ते का सॉफ्ट कवर हम खत्म करते हैं, अगले हफ्ते हम फिर किसी एक खास किताब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे शिव पांडे और मेरी पूरी डिफरेंट टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार पांडे जी, आपको भी और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद।